एशिया कप 2023 का सुपर चार का तीसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच बारिश के कारण रविवार को पूरा नहीं खेला जा सका। अब यह मुकाबला दोबारा आज आरंभ होगा। आज यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार कितने बजे आरंभ होगा और यह मुकाबला कहां से आरंभ होगा और आज कोलंबो में बारिश की कितनी संभावना है, इसकी जानकारी यहां हम आपको देने आए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर चार का यह तीसरा मुकाबला आरंभ हुआ तो भारत को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान ने आमंत्रित किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और सुमन गिल ने शानदार शुरुआत किया। रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए तो सुमन गिल 58 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी पारी को संभाल लिया। जब खेल 24.1 ओवर का हुआ तो तेज बारिश आ गई और मुकाबला दोबारा आरंभ नहीं हो सका, इसलिए आज मुकाबला यहीं से आरंभ होगा। आज यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे आरंभ होगा। यह मुकाबला जहां पर रुका था वहीं से आगे खेला जाएगा। आज भी इस मुकाबले के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आज अगर इस मुकाबले के दौरान बारिश होती है तो फिर यह मुकाबला रद्द हो जाएगा और दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिल जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की टीम 3 अंक लेकर फाइनल के बहुत करीब पहुंच जाएगी और भारतीय क्रिकेट टीम सुपर चार के पॉइंट टेबल में 1 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम को 12 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ इसी ग्राउंड पर मुकाबला खेलना है।